the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again namaskar adab sat sri akal dosto main dr paramjeet aap hai, doctor education dosto covid-19 ki pandemic ki ladai mein kuch bhi corona कम करे वैक्सीन हो दवाई हो आ, कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हो काढ़ा हो डजेंट मैटर मदद हर एंगल से आनी चाहिए ऐसे ही कई सारे लोग आब, आप एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जिसको हम बोलेंगे आयोनाइजर्स का आयन आयन आयोनाइज़र क्या होते हैं ये कैसे आप कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर सकते हैं और ये कैसे एयरबॉन वायरसेस को या इवन बैक्टीरिया को ट्रैप कर सकते हैं ये नेगेटिव आयन बॉन्ड से और ये उसको फोर्स कर सकते हैं एक सेटल सेटल करने मतलब साफ कर सकते हैं एक जगह को हवा को और इसका एक मास्क भी आता है सुपर मास्क जिसको कहते हैं तो भी क्या चीज़ है ये कॉन्सेप्ट क्या है इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हम अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी फ़ायदा उठा सकें पुणे के अंदर एक दो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इसके आयन नेगेटिव आयन जनरेटर फिल्टर्स भी बनाए हैं जो घर में आप लगा सकते हैं घर के क्लोज्ड इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया भर में हमारा काम है हर ऐसी नई चीज़ के बेसिक को आपको समझाना ताकि आप समझे कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं है याद रखिए ये वायरस बैक्टीरिया उसपे एक क्लोज एनवायरमेंट में काम करेगा ये क्या चीज है इसके बारे में समझते हैं और ये एक कंपनी जो न्यू जो पुणे में इस तरीके के को अच्छा खासा एक आ, ग्रांट भी मिला है ए, उसको फंडिंग मिली है एक करोड़ की ताकि वो इसपे काम करें ताकि भी ये अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े आयन एयर आयनाइजर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है ये बहुत सालों से थी और ये क्या है ये फिल्टरलेस एयर प्योरीफायर है जो पहले कार में घरों में लगते थे और ये एयर प्यूरिफायर में आयन जनरेटर यानी एन आयन राइट आयन जनरेटर नेगेटिव आयन मतलब देखो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं नेगेटिव आयन जो होता है वो बड़ा एक्टिव होता है और नेगेटिव आयन जो है वो लिटरली आपके एनवायरमेंट में अगर छोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए तो उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आएगा वायरस वो बैक्टीरिया है वो उसको चिपका लेगा नेगेटिव आयरन दिस कैन हेल्प कंट्रोल एनी एनी वायरस बैक्टीरिया और इवन सम काइंड ऑफ़ फंगस इन द इन्वायरमेंट तो ये क्या करेगा ये एयर को क्लीन कर सकता है डिस कर सकता है ऐसे एरिया को अगर कोई एरिया कोविड 19 के पॉजिटिव केस और सस्पेक्टेड केस वहां आया है तो उसको इस तरह से क्लीन किया जा सकता है तो इस तरह से खासकर अस्पतालों में या किसी पेशेंट के घर में मेक श्योर sure किया जा सकता है कि वहां कोरोना नहीं फैल रहा वहां पे कोरोना नहीं रुका हुआ है राइट क्योंकि आपने अब बातें सुनी होगी कि, कि कोरोना एरोसोलाइज भी है तो एरोसोलाइज है उसके बारे में हमने समझाया हुआ लेकिन है लेकिन क्लोज इन्वायरमेंट में एक अस्पताल सेटअप में एक बड़े सेटअप में एरोसोलाइज है ये बाहर रोड पे नहीं घूम रहा ये ये गार्डन में नहीं घूम रहा है याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको जानना है याद रखिए ये जो ये जो क्लेम है कि एक नेगेटिव आयन कोरोना को पकड़ लेगा इसके ऊपर कई सारे डिफरेंट रिसर्चेस चल रहे हैं आगे चल के इसकी जो इफेक्टिविटी है ये क्लियरिटी आएगी कि भाई कितना इफेक्टिव है कितने परसेंट इफेक्टिव है यहाँ पर एक क्लेम ये भी है कि एक घंटे अगर आप एक नेगेटिव आयन जनरेटर मशीन चलाते हैं तो वायरस लोड एक क्लोज्ड कमरे का 99 परसेंट तक कम हो जाता है रूम के साइज पे डिपेंड करेगा रूम कितना बंद है उस पर डिपेंड करेगा लेकिन ये ये भैया अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात है आयनाइजेशन में क्या होता है सो एक आयनाइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है आयनाइजेशन मतलब एक कोई भी पूरी दुनिया में जो चीजें हैं आपको पता है ये चाहे कोई एलिमेंट है वो एक एटम से बना है एक एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो वो एक उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ऐसे में एक नेगेटिव चार्ज वाले आयन बनाए जाते हैं आयरन आयन जनरेटर से और इसको क्या करा कर जाता है ये आयन को पूरे रूम में फैला दिया जाता है इससे क्या होता है जो भी पॉजिटिव आयन होंगे जो जैसे इवन डस्ट पार्टिकल्स हो पोलन ग्रेन हो या फिर कोई फंगल स्पोर्स हो बैक्टीरिया हो जो एयरबोन है वायरस हो जो बाहर घूम रहे हैं इन सब से ये नेगेटिव आयरन जाके चिपक जाते हैं इससे क्या होता है इससे एक नंबर एक इससे दो तीन प्रकार के एक्शन होते हैं नंबर एक वो जो एरोसोलाइज होने का पार्टिकल है जो हवा में घूम रहा है वो भारी हो जाता है वो इतना भारी हो जाता है कि वो सरफेस पे सेटल हो जाता है नीचे आके सेटल हो जाता है और उसके बाद फिर नॉर्मल क्लीनिंग से नॉर्मल डिस से जो घर में झाड़ू पोछा होता है उससे तो वो साफ हो जाए इसका एक एग्जाम्पल है जैसे आप कोई लैम्प है आकर घर घर में आपके कोई इलेक्ट्रिकल लैंप है उसके आसपास जो ब्लैक ब्लैक मार्क आ जाता है वो इसी आयनाइजेशन के वजह से आता है अगर आप देखते हैं तो ब्लैक ब्लैक मार्क आ जाता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ आयनाइजेशन तो हर प्रकार का लैम्प थोड़े बहुत आय जनरेट करता है यहां पर ये जो लैम्प है ये आयनाइजर हो गए बहुत ज्यादा जनरेट करेंगे अब इसमें कुछ और क्लेम्स भी हैं क्लेम है जो कि प्रूफ आगे चल के होगा दुनिया में कि भाई ये आय आयनाइजर से निकले हुए वायरस के और बैक्टीरिया के जो सरफेस पे प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं अब अगर ये हो सकता है तो ऐसा हो जाएगा कि आपका जो वायरसेस हैं वो इनएक्टिवेट हो सके वहां पर जो उसके ऊपर है वो लाइपोप्रोटीन यानी एक फैट और प्रोटीन की लेयर है अगर उसमें से प्रोटीन भी इनएक्टिव हो गया तो वो लेयर टूट जाएगी फैट इनएक्टिव हो गया तो लेयर टूट जाएगी सो तो ये क्लेम जो है ये नेगेटिव आयंस हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया इनके सेल वॉल को इनएक्टिवेट कर सकती है ऐसा क्लेम है अब इसके ऊपर रिसर्च होगा तब पता चलेगा भाई ये कितना ज्यादा काम का है कितना ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ स्टडीज में देखा गया है कि ये फेयरली इफेक्टिव है इन डीएक्टिवेटिंग बैक्टीरिया राइट वायरस कोविड 19 वायरस पे इतने ज्यादा रिसर्चेस अभी इसके ऊपर नहीं हुए आगे चल के होंगे लेकिन उम्मीद अच्छी है कि ये भाई साहब जरूर करेगा आ, कुछ ना कुछ इफेक्ट लेकिन जहाँ तक ये देखा जाए कि इसका अभी तक का एविडेंस जो है कमजोर है अभी तक कोई ज्यादा सब, सबूत नहीं है तो इसको अकेले ऐसा नहीं है कि इसको लगा लिया और फिर खुले घूम रहे बिना मास्क के नहीं और हॉस्पिटल में बिना पीपीई के नहीं तो इसको पीपीई मास्क बाकी सारे प्रिकॉशंस के साथ एक एड ऑन प्रिकॉशन किया जा सकता है याद रखिए कोरोना वायरस प्रिडोमिनेटली नहीं है थोड़े बहुत एयरबॉन्ड पार्टिकल हो सकते हैं अस्पतालों में या ऐसे जगहों पे जहाँ बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स इकट्ठा हुए हो ऐसे क्लोज जगहों पे इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है फ्यूमिगेशन भी अस्पतालों में होते हैं और बाकी सारे प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ग्लव्स मास्क हैट्स वो सब बहुत ज़रूरी है अस्पताल के सेटिंग में घर में उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन घर में अगर पेशेंट है तो इसके काम आ सकता है ऐसे में याद रखिए डिटर्जेंट प्रॉपर्टी जो आयन जनरेटर में होती है अगर वो बाहर का प्रोटीन चाहे एलर्जी का हो एलर्जन का हो वायरस का बैक्टेरिया को तो वो अगर ये कंट्रोल करने में काम आ गया तो ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल हो सकती है हो सकता है पूरे दुनिया में घरों में फिर आयन आयन एक्सचेंजर्स आयनाइजर्स आयन जनरेटर्स आयन लगाए जाएँ और इससे हो सकता है शरीर की रेजिस्टेंस बढ़ जाए इन्फेक्शन से हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर से ना सिर्फ इन्फेक्शन बल्कि एलर्जीज के लिए भी ये काफ़ी काम आ सकता है फ्यूचर में लेकिन अभी इसके इफेक्टिविटी का प्रूफ नहीं है यहाँ पर ये एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए कि इस प्रकार की चीज भी मौजूद है दुनिया में याद रखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा आपके शरीर को जो कि बाहर घर के अंदर तो होगा लेकिन बाहर से फिर भी आपको वायरस हो सकता है सो तो ये याद रखिएगा तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू गिव यू अबाउट आय एक्सचेंजर्स इसका एक मास्क भी आता है जिसको सुपर मास्क कहते हैं जो अगेन जो प्रूवन नहीं है कि वो काम करता है जो के अट्ठारह बीस हजार का एक मास्क आता है भैया बहुत महंगाई आ गई है दुनिया में सो so, मैं ये नहीं कहूंगा ये सब अभी आपको करना है इसकी नॉलेज रखिए अपना प्रिकॉशंस रखिए कोरोना बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है लेकिन अभी भी फैल रहा है तो डरने की बात नहीं है सतर्क रहने की बात है देखते रहिए ये डॉक्टर एजुकेशन चैनल ये अच्छा लगा तो जरूर फैलाइए ताकि और लोग जो कि इस प्रकार के फील्ड में है आयन एक्सचेंज का काम करते हैं वो आयन के आ, के ऊपर रिसर्च करें और इसकी जल्द से जल्द रिजल्ट निकल कर आए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसी और कंपनियाज आगे आए और ऐसी चीज़ें जो इफेक्टिव हैं वो मार्केट में जल्द से जल्द पहुंचे सो थैंक यू सो मच जरूर शेयर करिए इस वीडियो को स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी